But you gotta help me close this. They broke my luggage. I see her, but she can't see me. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द व्लॉग। अगर आप देख रहे हैं बहुत थकी थकी लग रही हूँ, थोड़ी टेंस्ड भी हूँ क्योंकि मेरी फ्लाइट है इस्लामाबाद की, जो मैंने टिकट एक हफ्ते पहले बुक की थी, बट आई स्टिल डोंट नो कि वो कब जा रही है। और उसका टाइम था कि वॉज सपोज टू लीव एट 5 और अभी 4 o'clock हो रही है, वॉज सपोज टू बी बोर्डिंग। बट लास्ट नाइट आई गोट टू नो, उनका मुझे ई मेल आया कि माई फ्लाइट इज़ बिन डिलेड फॉर 2.5 hours एंड अकॉर्डिंग टू दैम मेरी फ्लाइट अब 7:30 फ्लाई करेगी। दैट वॉज लास्ट नाइट। ओके, अभी बड़े बड़े हैदर ने फिर से चेक किए तो अब बोल रहे हैं कि फ्लाइट विल डिपार्ट एट 6, मतलब 1 घंटा लेट है। आई स्टिल डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। फिर मैंने रबिया को पूछा, मैंने कहा रबिया कैन यू ऑल्सो चेक, क्योंकि वो इस्लामाबाद में, आई एम सपोज टू बी विद हर, शी इज सपोज टू पिक मी अप। एंड जब उसने चेक किया तो बोलती है फ्लाइट 9 बजे रात को। फिर ये व्हाट यू डूइंग, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। अभी आई हैव नो आइडिया व्हाट टू डू। अभी 4 बज रही है, आई एम सपोज टू लीव फॉर द फ्लाइट एट 6 o'clock और 7 o'clock और 9 o'clock एंड आई हैव बीन कॉलिंग देम, आई हैव बीन कॉलिंग द पीआईए, दे वोंट पिक अप माय कॉल आल्सो। ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। उनको इतनी कॉल्स कर करके दोपहर से हम लोग कॉल्स कर रहे हैं पीआईए को, बट दे वोंट पिक अप आवर कॉल। एंड हम जब फिर से फोन करें तो दे मेक द लाइन बिजी। सो वी सेंट पीआईए थी उस टाइम, आई हैड टू लीव, मुझे 14 को ही जाना था। तो मैंने जो अवेलेबल फ्लाइट थी तो आई जस्ट गोट द 14 वाला, जो 14 पीआईए वाला था, सो आई जस्ट गोट दैट। और अभी जस्ट गेम डिलेइंग हैदर गया हुआ उनके ऑफिस टू मेक श्योर कि फ्लाइट 6 o'clock है या 7:30 है या 9 o'clock है। माई बैग इज ऑल्सो पैक्ड। सो मामा गोट मी दिस ड्रेस, माँ बोलती है ये ड्रेस भी साथ लेके जाओ इस्लामाबाद, क्योंकि जब मैं फैसल मस्जिद जाऊँगी तो मैं ये ड्रेस पहन के जाऊँगी। शी वांट्स मी टू वेयर दिस। रख देते हैं। सो द पैकिंग इज ऑलमोस्ट डन, मैंने अपना डिप्लोमा रख लिया है एंड माई अदर डॉक्यूमेंट्स। आज जिस दिन मैं जा रही हूँ उस दिन मौसम कितना प्यारा है एंड यहाँ पे अलग महफिल जमी है इन सब की। मेरी पैकिंग, आप ही आई हो, सैड आई एम लीविंग। क्या आप सब ने हमारे न्यू फ्लावर्स देखे? देखें प्लीज, बस देखें। आप ही कैन यू हेल्प मी पैक, आप ही हेल्प मी पैक। मेरे पास वैसे एक और लगेज की जगह है लेकिन मुझे कैरी नहीं करना, लाइक टू लगेजेस, मुझे एक ही लगेज में पूरा सामान फिट करना है। गर्ल प्रॉब्लम। आई थिंक दैट इज ऑल, पैकिंग जितनी हो सके मैंने कर दिया है। क्या बोथ माई स्लीपर्स, माई बैग, माई डॉक्यूमेंट्स, द मेकअप बैग एंड सम ऑफ द फ्यू ड्रेसेस। मेरा दूसरा सामान इतना ज़्यादा था कि मेरे ड्रेसेस इतने, ओह ये बंद कैसे होगा। मेरा दूसरा सामान इतना ज़्यादा था कि मेरे इतने कपड़े वगैरह आए नहीं हैं। और ये बाबा, यू हैव टू हेल्प मी क्लोज दिस, बाय यू गुड हेल्प मी क्लोज दिस। मेरा बैग देखो। Yes. मुझे हाफ एन आवर में निकलना और यहाँ पे इनकी महफिल खत्म हो रही है। बारिश आ रही है, कोई पानी नहीं फेंक रहा। किधर भाग रहे हैं आप, किधर भाग रहे हैं? हेलो बाबा, पे चलो। इट इज रेनिंग, आई कैन सी।
यहाँ पे वैसे हम जस्ट स्केर्ड के मेरी फ्लाइट है घंटे में, यहाँ पे बारिश शुरू हो रही है और ये PIA फ्लाइट है, एमर से फिर भी चल जाती है फ्लाइट बारिश में। PIA प्लीज डोंट डिले माय फ्लाइट। एकदम नहाते हैं बारिश में, जाओ नहाओ हम ना। वन आवर लेटर हैदर ने मेरा बैग रैप कर दिया, थैंक यू हैदर भाई। मैंने नहीं किया, झूठ बोल रही। हाँ हाँ बस दुनिया में इतना कॉन्फिडेंस। ये दुबई से पाकिस्तान जा रही है, जेब में 50 दिरहम रख के ले 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 ले। ये एयरपोर्ट पे ही चेंज हो जाएंगे। नहीं अब कितना 5 दिरहम कम मिल जाएगा तुम्हें? नहीं क्या 3.6 रेट में मिल जाए तो 5 दिरहम ही कम है। मामले कितने अकाउंट में है वो सुबह भेजी थी तो पक्ष नहीं कौन था, कौन से बैंक है, कौन से बैंक है नाम बताओ, बैंक पंजाब का नाम बताओ, ONG कौन सा बैंक है, जो भी है पैसे आ गए मेरे पास वहां पे पैसे आ गए तो देखो पक्ष कौन सा अकाउंट है। 50,000 था लेकिन अभी, लेकिन वो मामू मेरे पैसे काटने नहीं, ये पैसे आपके हैं मेरे वाले नहीं है। 30 लाख अलग रखने, ये आपने मुझे दिए गिफ्ट के तौर पे, मैं अपने पैसे लूंगी आगे। सो दिस इज माई आउटफिट, मैं फिट रेडी हो चुकी हूँ, लाइक आउटफिट रेडी एंड अल्ट्रा वाइड लेंस यू किया हुआ है, अल्ट्रा वाइड लेंस ये 1 है। हां वो उधर रखो, ये फुल लेबर्स का है द प्लीज। यार आज का मौसम देखो, जिस दिन मैं जा रही हूँ पूरा रेनी और क्लाउडी वेदर हुआ हुआ है एंड आई गॉट माय बुक टू रीड। 2 घंटे की फ्लाइट में क्या है? 3 घंटे की फ्लाइट है, गाड़ी की ड्राइव लगती है कि मेरा तो वेदर माशाल्लाह। आई एम जस्ट प्रेइंग क्योंकि ये PIA है एंड द वेदर इज सो नाइस एंड इट वाज रेनिंग इन द आफ्टरनून। की आ गया जी आमना का मैसेज, सिम निकालो आमना की। ओ मैंने मामा सिम भी नहीं ली यार हैदर। अल्लाह हाफिज। ओके डन विद द बोर्डिंग थैंक गॉड। सो वी केम टू स्मार्ट गेट्स बट इतना रश है कि स्मार्ट लग ही नहीं रहा है। सो फुल मैन, सो फुल, आई एम पासिंग टाइम रीडिंग द बुक। Everything is done. That was a hectic, long thing. इतनी लंबी क्यू थी। This is the first time I'm coming to Terminal 1. वरना हम हमेशा Terminal 3 लेते हैं। So PIA goes to this terminal. तो मैंने first time यहाँ पे है। It was so crowded. I think the people, like Dubai people, have to do something rush के लिए। But खैर, अल्हम्दुलिल्लाह, everything is done. अभी मैं gates की तरफ जा रही हूँ। And I'm vlogging. And people are watching me do that, which is खैर, I have to get used to it. What? Train. So I have to go to D2 and apparently yahan pe trains hain, hame train pakadni padegi. Ye airport pura pool bulaiya hai aaram se. यार कितना ज़्यादा कुछ हो रहा है इस एयरपोर्ट में।
आज सो यहाँ पे मसाज एंड मैनीक्योर हो रहा है. यू नो व्हाट, आई एक्चुअली नीड वन. हमें D2 पे जाना है, गोइंग बैक. मैं इतना व्लॉग नहीं करूँगी बिकॉज मेरे चार्ज सिर्फ 20% है एंड आई एम होपिंग कि मैं चार्ज अपना फ़ोन कर लूँ टिल द गेट्स आर ओपन एंड आई कैन बोर्ड. उससे पहले जितना मेरा फ़ोन चार्ज हो सकता है मैं चार्ज कर लूँगी. सो आई एम गोना व्लॉग अलॉट. बस मैं गेट्स की तरफ जा रही हूँ. आई विल शो यू द गेट एंड आई विल चार्ज माई फ़ोन एंड हम फिर प्लेन में मिलेंगे. Finally boarding after such a long delay. It got delayed again. So we're boarding now finally. Two thousand years later. It's 12:30 in the morning. I'm finally in Islamabad. Alhamdulillah. 5 hours delay होने के बाद मैं इस्लामाबाद आ गई हूँ and I'm just gonna go for the baggage claim. I'm so tired यार, इतनी थक गई हूँ मैं. बैगेज लेंगे and I know Rabi is already out. मेरा वेट करिए. सो वी गोना गो फटाफट फटाफट मीट हर. पासपोर्ट कंट्रोल से निकलेंगे एंड वी गोना गो आउट बिकॉज आई एम टायर्ड. रबिया वहाँ पे होगी बाहर. ओ माय गॉड, आई एम एक्साइटेड. द लगेजेस विल बी देयर. नंबर 2 पे तो शुरू नहीं हुआ है. They broke my luggage. यार, swear to God. So I have to use this because मेरा bag टूट गया है. And Rabia is gonna be out. Am I excited? Yes. I see her, but she can't see me. Wait, I see her. This is so funny. You guys look at the airport Islamabad ka. It's so big, mashallah, and it's actually so much better. So we are home. We are home. It's so cute. Look at this necklace. Durabe mein rakhi hai. I love it. It's very nice. But where's biscuits? Biscuit? Hi. Hello. Look at the cat. Hey guys, मैं घर वापस मैं घर आ चुकी हूँ at Rabia's place. I'm really tired. Thank you PIA for delaying the flight so much. मैं इतना थक चुकी हूँ. And as you see, the house is so pretty. MashaAllah. I think I might do a house tour. ताकि मैं आपको दिखा सकूँ घर कितना प्यारा है. बिस्किट इज हियर. बिस्किट गुड. आज के लिए इतना ही है एंड कीप वॉचिंग फॉर द नेक्स्ट डे. बहुत कुछ प्लान है, बहुत काम है यहाँ पे, बहुत कुछ घूमना है, देखना है, फिरना है. इट्स सो मच टू डू. सो टिक 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 सब करना है. कीप वॉचिंग टिल नेक्स्ट टाइम. अल्लाह हाफिज़.